सो हाय गाइस, आज के इस वीडियो में कुछ इस टाइप के सीवी फोटो एडिटिंग करने वाले हैं। जैसा कि गाइस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी एंड अमेजिंग सी फोटो लग रही है। तो सबसे पहले गाइस, इस फोटो का हम लोग बैकग्राउंड भी चेंज करने वाले हैं एंड गाइस फेस स्मूथ भी करेंगे और टैटो को कैसे लगाया है वो भी एक एक स्टेप गाइस शेयर करने वाले हैं। तो गाइस वीडियो को एंड तक बने रहिए एंड गाइस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइस सबसे पहले अपने ओरिजिनल फोटो को पिक्सआर्ट ऐप के अंदर ऐड कर लेना है एंड गाइज पिक्सआर्ट ऐप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो गाइज ये रही हमारे मॉडल की ओरिजिनल फोटो एंड इस फोटो को सबसे पहले पिक्सआर्ट ऐप के अंदर ऐड कर लेना है। पिक्सआर्ट ऐप के अंदर हम लोग बैकग्राउंड को चेंज करेंगे। तो गाइज चलिए हम पिक्सआर्ट ऐप के अंदर अपने फोटो को ऐड कर लेते हैं। तो फाइनली गाइज पिक्सआर्ट ऐप के अंदर हमारी फोटो ऐड हो चुकी है। तो सबसे पहले गाइज अपने फोटो के साइज को क्रॉप कर लेना है। तो टूल्स पर क्लिक करना एंड क्रॉप पर क्लिक करना एंड इसको 3.4 रेशियो में क्रॉप कर लेना है। कुछ इस टाइप से गाइज इतना क्रॉप कर लेना है एंड डन। तो गाइज हमारी फ़ोटो क्रॉप हो चुकी है। तो सबसे पहले गाइज ऐड फोटो के ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड गाइज इस बार एक बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है। गाइज बैकग्राउंड की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जाके आप इजीली वहां से डाउनलोड कर सकते हैं एंड पिक्सआर्ट ऐप की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो गाइज इस बैकग्राउंड को कुछ इस टाइप से अपने फुल फ्रेम पर सेट कर देना है। सेट करने के बाद गाइज इरेजर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है एंड इसे इन्वर्ट कर लेना है। देन गाइज कुछ स्टेप से अपने फिंगर की मदद से ड्रो इस बैकग्राउंड को रिमूव कर देना है, ओरिजिनल बैकग्राउंड को रिमूव कर देना एंड बाद में जो बैकग्राउंड हम लोगों ने लगाया है वो बैकग्राउंड ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। तो चलिए गाइज जल्दी से हम इस बैकग्राउंड को रिमूव कर देते हैं। तो बने रहिए गाइज वीडियो को एंड तक एंड आगे गाइज फेस स्मूथ भी करना सिखाएंगे। तो सबसे पहले गाइज इस बैकग्राउंड को रिमूव कर लेते हैं जल्दी से। Thank you.
the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for. तो गाइस फेस भी काफ़ी अच्छे से स्मूथ हो चुका है एंड गाइस अब हम लोग अपने हेयर को एडिट करेंगे। तो गाइस फिर से तीसरे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड लाइब्रेरी पर क्लिक करना है एंड इस बार इस वाले ब्रश को ऐड कर लेना है एंड इसके सेटिंग को कुछ स्टेप से इतना कर लेना है, लगभग स्ट्रेंथ को 43, फॉलो को 14 के करीब एंड अपने साइज को अपने अकॉर्डिंग कर लेना है एंड गाइस जूम करके अपने हेयर को बना लेना है। तो गाइज हेयर भी बन चुके हैं एंड अब हम लोग अपने हेयर में कट लगाएंगे। तो गाइज फिर से यहाँ इस पर क्लिक करना है एंड लाइब्रेरी पर क्लिक करना है। तो गाइज इसी ब्रश को ऐड कर लेना, इसके सेटिंग को कुछ स्टेप से फॉलो को करीब 49 के करीब एंड स्ट्रेंथ को भी बढ़ा लेना है कुछ स्टेप से 5%, साइज को कर लेना है एंड गाइज दूसरे नंबर पर क्लिक करना है एंड गाइड्स पर क्लिक करना है एंड गाइज इस बार कुछ स्टेप से इसे रोटेट कर लेना है कुछ स्टेप से एंड अपने फ़ोटो को इसके अकॉर्डिंग सेट कर देना है कुछ स्टेप से एंड गाइज अपने फिंगर से इस पर एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो लाइन भी काफ़ी अच्छे से ड्रॉ हो चुकी है एंड गाइज फिर से तीसरे नंबर पर क्लिक करना है एंड लाइब्रेरी पर क्लिक करना एंड इस बार इसमें उसके फर्स्ट वाले ब्रश को ऐड कर लेना है एंड इसके सेटिंग को उतना ही कर लें जितना हम लोगों ने फर्स्ट टाइम किया था, फ्लो 5% एंड स्ट्रेंथ को 5% एंड गाइज को जो स्टेप से फिर से यहाँ पर अपने फेस को स्मूथ कर देना है ताकि ये लाइन हमारे फेस से मैच हो जाए एंड यहाँ पर भी कुछ उस टाइप से ऐड कर देना है तो गाइस इस फोटो को सेव करके फिर से पिक्सआर्ट ऐप के अंदर ऐड कर लेना है क्योंकि इस बार हम लोग अपने फोटो में टैटो को ऐड करेंगे। इस फोटो को पिक्सआर्ट ऐप के अंदर सेव कर लेना है। तो गाइस ये रहा पिक्सआर्ट ऐप के अंदर हम लोगों ने फोटो को ऐड कर लिया है। तो गाइस पिक्सआर्ट ऐप के अंदर हमारी फोटो ऐड हो चुकी है एंड गाइस ऐड फोटो के ऑप्शन पर क्लिक करना है, इस टैटू के पीएनजी को ऐड कर लेना है एंड इसके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सॉरी डबल ऐड हो गई, एक को हम डिलीट कर देते हैं एंड गाइज इसे रोटेट कर लेना है कुछ स्टेप से गर्दन पर सेट कर देना है एंड गाइज इरेजर पर क्लिक करना है एंड इस नीचे के एरिया को रिमूव कर देना है कुछ स्टेप से, देन डन एंड गाइज इसकी ऑपेसिटी को हल्का सा कम कर लेना है, लगभग 60 के करीब छोड़ देना है एंड इसके ब्लेंडिंग मोड को मल्टीपल कर देना है तो एंड डन एंड अब हम लोग अपने मॉडल के ड्रेस पर टेक्सचर ऐड करेंगे। तो गाइज इफेक्ट पर क्लिक करना है एंड आर्ट स्टिक पर क्लिक करना है एंड फैटल नाम से एक इफेक्ट मिलेगा, इस पर क्लिक करना है एंड इरेजर पर क्लिक करना है एंड इन्वर्ट कर लेना एंड इस वेक्टर को ओनली अपने मॉडल के ड्रेस पर ऐड कर लेना है। एंड डन एंड अगेन डन। तो गाइज हमारी फोटो कंप्लीट एडिट हो चुकी है। आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। गाइज अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना एंड एक प्यारा सा कमेंट कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इस चैनल पर एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो आते रहते हैं। गाइज हम लोगों ने इसमें सबसे पहले बैकग्राउंड को रिमूव किया था, देन गाइज अपने फेस को स्मूथ किया था एंड गाइज फिर बाद में इस लाइन को ड्रॉ किया था, फिर हेयर को एडिट किया था, लास्ट टाइम हम लोगों ने टैटो के पीएनजी को ऐड कर लिया था। तो फाइनल में हम लोगों का कुछ स्टेप से रिजल्ट निकल के आया है
तो गाइज इस फोटो को ड्रॉ टूल पर क्लिक करके अपने फोटो को सेव टू डिवाइस कर लेना है। एंड गाइज अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो आती रहती हैं। तो चलिए गाइज मिलते हैं आपको ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।